मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा ब्लॉग प्लस पेंटिंग। तो यहाँ पे हम फिलहाल जा रहे हैं नैनीताल, तो दिखाएंगे वहाँ पे किस तरह से पेंटिंग्स हम बना सकते हैं लाइव होके। तो फिलहाल ये नैनीताल का रास्ता है और बहुत खूबसूरत वादियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत नेचर है। और जो पिछली बारिश हुई थी उससे जो सड़कें हैं बहुत ही टूट चुकी हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक डेंजरस रास्ता हो चुका है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल जो खूबसूरती है नेचर की वो आपको देखते ही बनती है यहाँ पे। आप आइए नैनीताल तो ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ पे और देखिए कितना बड़ा पहाड़ यहाँ पे टूट के नीचे गिर चुका है और सड़क ऑलमोस्ट इसने ब्लॉक कर दी है और पूरी सड़क बर्बाद हो चुकी है। तो फिलहाल आइए और सेफली यहाँ पे जाइए और अच्छी तरीके से। तो फिलहाल देखते हैं और चलते हैं आगे को। और ये देखिए आप खूबसूरत वादियाँ किस तरह से यहाँ पे हैं और इतनी खूबसूरती को अपने चित्र में उतारना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी एक कोशिश है। फिलहाल यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं नैनीताल और यहाँ पे हम एक लोकेशन लेके वहाँ पे हम बनाने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से यहाँ से मैंने लोकेशन ढूंढी है और इस तरीके से यहाँ पे कलर इसमें कर दिया है। फिलहाल मैं सारा सामान तो लेके नहीं गया था, लेकिन बस एक थोड़ा सा क्विक व्यू वहाँ पे मैंने खींचा था स्केच। तो देख सकते हैं आप, ये है फिलहाल मार्केट नैनीताल का। तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो गया था तो हम यहाँ से फिलहाल चले गए थे। तो घर आके यहाँ पे इस पेंटिंग्स को हमने कंटिन्यू किया और देखते हैं चलिए किस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और जब भी आप कहीं जाएं तो अपना जो सामान है ड्राइंग एंड पेंटिंग्स का वो लेके जाएं, ताकि वहाँ पे अगर आपको समय मिले तो आप कुछ भी वहाँ पे बना सकें, ड्रॉ कर सकें, स्केच कर सकें, जो भी चीज़ आपके पास है पेंसिल्स लेके और जो एक पेपर लेके चले जाएं। बाकी आप स्केचिंग करके देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके, उससे जो आपकी स्केचिंग पावर है, जो कैचिंग पावर है और स्केचिंग है वो काफ़ी अच्छी इम्प्रूव होती है, बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है। अगर आप एक लाइव प्लेस पे जाते हैं, किसी भी प्लेस पे जाके उसको लाइव देख के बनाते हैं, तो आपकी स्केचिंग पावर और जो ड्राइंग की है वो बहुत पक्की होती है और बहुत इम्प्रूव होती है उससे आपकी ड्राइंग। तो ड्राइंग जब तक अच्छी नहीं होगी तो ड्राइंग पे आपको काफ़ी विशेष ध्यान देना है, जो बेस है वो है ड्राइंग, यहाँ पे स्केचिंग। तो स्केचिंग जब तक आपकी बढ़िया नहीं होगी, आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो अच्छा पेंटिंग्स में नहीं आ पाएगा। तो स्केचिंग पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, जहाँ भी आप जाते हैं विजिट करते हैं, बाहर कहीं पे भी आप अगर जा रहे हैं तो स्केचिंग को ज़रूर से वहाँ पे बनाइए। कोई भी जो भी चीज़ मिलती है वहाँ पे उसको ड्रॉ कीजिए, तो उससे उस आपको जो आपकी पावर है, जो आपका आर्ट के प्रति एक लगाव है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे आपका जो हैंड है वो इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से आपको स्केचिंग करते रहना है और जो उसमें डिफरेंस है, जो उसका प्रोस्पेक्टिव है, उस चीज़ को देखिए आप लाइव में जाके किस तरह से होता है और किस तरह से आपकी फ़ोटोग्राफ्स में देख के बनता है। तो लाइव जाके आप काफ़ी अच्छी तरीके से और भी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मूविंग पार्ट थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो आपको एकदम कैच करना पड़ता है कि कौन सा पार्ट हमें बनाना है, कौन सा छोड़ना है। और थोड़ी सी मेमोरी आपकी तेज होती है उस चीज़ से और आपकी जो स्केचिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सुधर जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है वहाँ से आने के बाद, जो पेंटिंग हमारी अधूरी रह गई थी। तो फिलहाल ये था इस वीडियो में नेचर प्लस ब्लॉग प्लस पेंटिंग। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप भी इस पेंटिंग्स को बना सकते हैं, कहीं पे भी जाइए और उसकी पेंटिंग्स आप बना सकते हैं। तो फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।